बहुत ही यूनिक और अच्छी जगह है। मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो बहुत ही खास हैं, जिसको सागर का सांप कहते हैं, ओशन सर्प कहते हैं। तो उस जगह पे मैं आप लोगों को लेकर चलूँगा। मैं इस जगह का नाम डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप लोग कॉपी करके उस जगह को लाइव देख सकते हैं। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं उस जगह पे। करना क्या है आपको, आपको गूगल में जाना है, या आपको प्ले स्टोर से गूगल अर्थ डाउनलोड करना है, या गूगल में जाने के बाद आपको गूगल में सर्च करना है गूगल अर्थ। गूगल अर्थ का जो पेज हाईलाइट होकर आएगा उस पर क्लिक करके एंटर हो जाना है। वहाँ पे जो मैं लिंक दे रहा हूँ, जो मैं नाम बता रहा हूँ, उसको कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो इस जगह के बारे में मैं भी आपको बताऊँगा और आपको दिखाऊँगा भी कि वो जगह कहाँ है, लाइव दिखाऊँगा यहाँ पे गूगल अर्थ के माध्यम से। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और उस जगह को पहले तो मैं उस जगह के बारे में आपको बता दूँ कि जो है वहाँ पे सागर सांप के नाम से जो स्टेचू बना हुआ है वो एल्युमिनियम का बना हुआ है। इसको जो है स्प्रिंट डी ओशियन, फ्रेंच में स्प्रिंट द ओशन कला के नाम से जानते हैं। यहाँ के कलाकार हुआंग योंग पिंग का एक काम है। एक लंबे समुद्री सांप के कंकाल को दर्शाते हुए यह सेंट ब्रेबिन लेस पिंग लायर अटलांटिक फ्रांस में इंटरटाइलिंग जोन में स्थापित है। इसको जो है स्प्रिंट डी ओशियन एल्युमिनियम से बनी हुई एक स्मारकीय मूर्ति है, जो कुल मिलाकर 130 मीटर लंबी है। यह एक विशाल काल्पनिक समुद्री नाग कंकाल का प्रतिनिधित्व करता है, जिसका कशेरुका एक खुले मुंह में समाप्त होने के लिए लहराता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ उस चीज़ को। तो हम ऑप्शन में जाएंगे, वहाँ पे ऐसे इस पर पेस्ट करेंगे और सर्च पे क्लिक कर देंगे। सर्च होने के बाद ये हमको उस जगह पे ऑटोमेटिक लेकर जाएगा। और हम देखिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं कि जहाँ पे वो जगह स्थित है। आपको दिखा दें कि यहाँ देखिए जो उस जगह के बारे में आपको विकिपीडिया पे पूरा अच्छे से तरीके से लिखा आ जाएगा। तो आप लोग यहाँ से भी उस चीज़ को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और ये हैंग योंग पिंग के द्वारा आर्टिस्ट हैं जो बनाया गया है। यहाँ पे जो चीज़ें हैं काफ़ी फेमस चीज़ें हैं, जबकि यहाँ पे ब्रिज भी बना हुआ है। और ये जो बनाई गई सागर सांप है, ये वहाँ पे काफ़ी फेमस है। तो इसको मैं बता दूं कि लोअर अटलांटिक के फ्रांसीसी विभाग में सेंट ब्रेबिन लेस पिंग ने कम्यून के क्षेत्र में मीडिंग में जेन डी चियान की नोक पर काम स्थापित किया था। उस सीमा पर जहां लायर मुहाना जुड़ता है अटलांटिक महासागर, यहां अग्रतट क्षेत्र में फैला है। सर्प की पूंछ कम ज्वार की सीमा पर स्थित होती है, इसका सिर उच्च ज्वार की सीमा पर समाप्त होता है। इसलिए मूर्तिकला को प्रत्येक ज्वार पर ढका और खुला रखा जाता है। कम ज्वार पर इसके चारों ओर चलना संभव है, लेकिन उच्च ज्वार पर केवल सिर और कशेरुकाओं का शीर्ष बाहर निकलता है। यह वनस्पति और समुद्री जीवों द्वारा धीरे धीरे आक्रमण करने का इरादा है। सांप का आकार पास में दिखाई देने वाले संत नजायर पुल से जुड़ता है। कशेरुकाओं का पास के कर्टेल्स लिफ्ट नेट को गूंजता है। इसका इतिहास जो है, यह काम एस्टुएर उत्सव में 2012 संस्करण में के हिस्से के रूप में तैयार किया गया है, और यूरोपीय क्षेत्रीय विकास कोष के माध्यम से यूरोपीय संघ द्वारा यह वित्त पोषित है। इसका उद्घाटन 20 जून 2012 को हुआ था। कलाकार इसमें जो काम करने वाले थे वो हुआंग योंग पिंग एक समकालीन कलाकार थे, और 1980 के चीनी अवांट गार्डे आंदोलन के एक प्रमुख सदस्य थे।
1954 में चीन के जियामेन में जिन्हें, वह 1989 में फ्रांस में रहे। यहाँ 2019 में उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने विषम अर्थों के संबंध का समर्थन किया और अक्सर पहचान और संस्कृति के मिश्रण की धाराओं को संबोधित किया। और चलिए मैं आपको वो जगह लाइव दिखाता हूँ। ये फ़ोटो के माध्यम से जो दिखाया हमने वो तो है ही, अब मैं उस चीज़ को आपको लाइव दिखाता हूँ। आप जैसे ही सर्च करेंगे यहाँ पे देखिए उस चीज़ की वीडियो लाइव दिखाएगी आपको। आप गूगल अर्थ के माध्यम से यहाँ पे आके सर्च करके देख सकते हैं। ये एक समंदर का बीच है जहाँ पे इसको बनाया गया है। लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादातर इंजॉय भी करते हैं और मज़े भी लेते हैं। तो आप लोग भी देख लीजिए क्या करना है। प्ले स्टोर से जाइए, गूगल अर्थ डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे दिए गए डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में मैं इसका नाम प्रिंट कर दूँगा और आप लोग जाके कॉपी करके इस चीज़ को सर्च कर सकते हैं। मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आता रहूँगा। मैं जल्द ही एक नया नया क्या कहते हैं कि शुरू करने वाला हूँ, एक सेशन सेशन ही कह सकते हैं उसको, शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं बच्चों से, छोटे छोटे बच्चे हैं तो कुछ नंबर रख के, जैसे 50 नंबर 25 नंबर का क्वेश्चन बनाकर पूछूंगा। छोटे छोटे बच्चों लायक जो LKG UKG 1 2 3 4 5 में पढ़ते हैं उनसे उन्हीं के लायक क्वेश्चन पूछूंगा। यदि वो अच्छे तरीके से क्वेश्चन बता देते हैं, पुटअप कर देते हैं, तो उनके लिए खास ऑफर मेरे तरफ से रहेगा। और बने रहिए हमारे चैनल पे। धन्यवाद। नमस्कार।